2021 की तो हो चुकी है शुरुआत, लेकिन क्या कर रहे हैं खान इस बार बॉलीवुड में, आइए बताऊं मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सलमान भाई की, जो हमारे भाईजान हैं, जो जल्द ही मूवी लेके आ रहे हैं राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। पहले सलमान खान ने सोचा था कि इसको रिलीज कर दिया जाएगा जल्द ही, लेकिन फिर कोरोना हो गया और इस फिल्म को लग गया टाइम। लेकिन अब सलमान खान ने कर लिया फैसला कि शायद ईद पे इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, और सलमान खान ने इसके राइट्स भी जी को बेच दिए हैं। और अब थिएटर्स और सिनेमा वालों ने सलमान खान को की है रिक्वेस्ट कि आप ऐसा ना कीजिएगा और सिनेमाज में ही इस मूवी को रिलीज़ कीजिएगा। लेकिन क्या होता है इस फिल्म के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सलमान खान सुर्खियाँ बटोर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म अंतिम के कारण। दोनों बहुत बढ़िया फिल्म्स होने वाली हैं, क्योंकि भाईजान खुद इसमें मेन लीड में नज़र आएंगे और भाईजान के फैंस है ही बहुत ज़्यादा। जैसे सलमान खान बड़े पर्दे पे आएंगे, वैसे ही खचाखच सिनेमा भर जाएंगे। तो सलमान खान ने कर लिया अपने आप को लॉक 2021 और 22 के लिए, और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं कभी ईद कभी दिवाली और किक 2 को भी शायद वो जल्द ही अनाउंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं आमिर खान की तरफ। आमिर खान ने तो काफ़ी देर से ठाना हुआ है कि वो धीरे धीरे ही काम करेंगे। उन्होंने काफ़ी देर से एक फिल्म पे काम शुरू किया था जो है टॉम हैंक्स की, जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। उसका वो अब ऑफिशियली हिंदी रीमेक बना रहे हैं, यानी बॉलीवुड में होगी वो फिल्म रिलीज, जिसका नाम होगा लाल सिंह चड्ढा। इसमें आपको नजर आएंगी करीना कपूर, और आमिर खान की लुक को भी काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। और आमिर खान साल में, जैसा कि आपको पता है, एक ही मूवी करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कब आएगी आमिर खान की ये फिल्म जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। आगे बढ़ते हैं किंग खान की तरफ। जी हाँ, SRK, उन्होंने न्यू ईयर तो अपने दोस्तों को विश किया था, अपने फैंस को विश किया था, लेकिन उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि शायद 2021 के अंत पे आपको पठान मूवी देखने को मिलेगी। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि 2021 में आप सिनेमास में ज़रूर जाओगे, क्योंकि शायद वो मूवी लेके आ रहे हैं पठान। पठान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं शाहरुख खान ने इस मूवी के कारण, और ये YRF की यानी यशराज फिल्म्स की बहुत बड़े बजट वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें शायद ऋतिक रोशन भी होंगे, सलमान भाई भी होंगे और शाहरुख खान भी होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पटौदी खानदान की तरफ। जी हाँ, सैफ अली खान की बात करें तो गो गोवा गॉन 2 को शायद वो जल्द ही अनाउंस करेंगे, और अब उन्होंने कर दिया है अनाउंस कि वो जल्द ही लेके आ रहे हैं फिल्म जिसका नाम है भूत पुलिस, जिसमें आपको नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी शेयर की थी जब वो अपने दोस्तों को हैप्पी दिवाली विश करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी टीम है उस वीडियो में। और सैफ अली खान की आने वाली मूवीज है बंटी और बबली 2, आदि पुरुष, और आज उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है तांडव। तो दोस्तों, खान्स ने कर लिया है अपने आप को लॉक 2021 के लिए। तो दोस्तों, ये था खान्स का कैलेंडर। आपकी क्या राय है इस कैलेंडर पे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं इनकी मूवीज़ का, आप ये हमारे सोशल मीडिया पे आके ज़रूर बताइएगा। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।